एक मोटो व्लॉग बनाते टाइम जितना ज़्यादा एक वीडियो क्वालिटी का हाथ होता है, उसके साथ साथ ऑडियो क्वालिटी का भी हाथ होता है। अगर वीडियो मोटो व्लॉग करते टाइम अगर आपके वीडियो में कुछ वॉइस डिस्ट्रैक्शन आपको आ रहा है, नॉइस डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो आपके वीडियो का 50% चार्म वहीं पे ख़त्म होता है। कि एक मोटो व्लॉग बनाने के लिए कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कौन से राइडिंग गियर्स होने चाहिए, माइक कौन से क्वालिटी का होना चाहिए, आपका हेलमेट कौन से टाइप का होना चाहिए, और गोप्रो का कौन से सेटिंग है। तो अभी आई होप कि आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दे रही होगी। एक अच्छा सजेशन भी मैं आपको दूंगा कि कौन सा माइक यूज़ करना चाहिए। तो बिना किसी वक्त देरी के हम चालू करते हैं अपना वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जान लेंगे कि एक मोटो व्लॉग करने के लिए, एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज का वीडियो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोग के लिए जो लोग मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो लोग मोटो व्लॉगिंग करने वाले हैं, या तो उन लोग के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग वीडियो तो बना रहे हैं मोटो व्लॉगिंग के, लेकिन उतना उनका वीडियो उतना चार्मिंग नहीं बन रहा है, उतना इंगेजिंग नहीं बन रहा है, उसके कारण उनके वीडियो को व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कौन से गलतियाँ हम करते हैं मोटो व्लॉगिंग करते वक्त। आपका माइक क्वालिटी कैसा होना चाहिए, आपका वीडियो क्वालिटी कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मोटो व्लॉगिंग वीडियोज़ में। तो पहली चीज़ है ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपके वीडियो का 50% जो चार्म है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ है वीडियो क्वालिटी, और वीडियो क्वालिटी भी साथ साथ आपका अच्छी होनी चाहिए, और वीडियो क्वालिटी के साथ आपका वीडियो का एंगल कैसा रखना है कैसा नहीं रखना है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं वीडियो शूट करते हैं जैसे खाली उनकी टैंग दिखती है, ऊपर का कोई नज़ारा रोड आगे का जो व्यू है वो नहीं दिखता है। तो कुछ लोग ऐसा वीडियो शूट करते हैं जैसे आगे का आसमान दिख रहा है कि आगे का आपका बाइक का सेटअप, बाइक क्या आपका हैंडल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भी ज़रा वियर्ड लगेगा। तो अच्छा एक क्वालिटी वीडियो एंगल कैसा होगा कैसा नहीं, ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मोटो व्लॉगिंग करने के लिए पहले चीज़ की ज़रूरत होती है वो है आपका हेलमेट। आपका हेलमेट कैसा होना ज़रूरी है, आपका हेलमेट एक अच्छे क्वालिटी का होना ज़रूरी है। एक सेफ्टी पर्पज़ के बारे में भी आप सोचेंगे कि अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड करते टाइम आपका जो वॉइस आता है वो एक शार्प आना चाहिए, क्वालिटी आना चाहिए। उसमें अगर आपका हवा का वॉइस रिडक्शन आएगा तो आपका ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये हेलमेट का वाइज़र। ये हेलमेट का वाइज़र का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इसमें अंदर हवा नहीं जाएगी तो आपका ऑडियो क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छा आएगा। एक अच्छा क्वालिटी का हेलमेट आप खरीद लो, अराउंड 2000-3000 के प्राइस में भी अच्छा हेलमेट आ जाता है। ये हेलमेट का प्राइस भी 2000 रुपये दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे। अच्छा हेलमेट मिल चुका है तो आप भी मार्केट में जाके अच्छा हेलमेट आप परचेस कर सकते हैं। मोटो व्लॉगिंग के लिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे गोप्रो माउंट करने के लिए जो हम माउंट लगाते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार के माउंट आते हैं, एक जो आता है जो डायरेक्टली आप यहाँ पे फिक्स कर सकते है परमानेंटली, वो एक आता है, और दूसरा ये एक ए है जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। एक 200-250 के बीच में इसका प्राइसिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैनुअल माउंट है जो कि आप हाथ से इसको फिक्स भी कर सकते हैं, आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, मैं अभी तक तो परमानेंट वाला लगाया नहीं है। तो ये चीज़ माउंट एक हो गया। तो तीसरी चीज़ आप मोटो व्लॉगिंग के लिए इंपॉर्टेंट है आपका माइक। तो आपका माइक कैसा होना चाहिए, कौन से क्वालिटी का होना चाहिए, कौन से कंपनी का होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। मैं भी शुरू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था कि कौन सा माइक यूज़ करूँ कौन सा नहीं करूँ, ऑडियो क्वालिटी कैसे आएंगी कैसे नहीं आएंगी। कुछ माइक के प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है आपका, तो फिर आपको कौन सा यूज़ करना है कि एक बजट में भी हो अच्छा क्वालिटी का भी हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, ये है सोनी का ECM LV1।
ये सोनी का माइक है, इसका प्राइसिंग अराउंड 1800 तक है। अगर आपका उतना बजट नहीं है तो आप एक और एक माइक आता है मार्केट में मोनो का, मोनो का माइक आप परचेस कर सकते हैं, 400-500 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये मैंने परचेस किया 1800 में, जो कि अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी देता है। अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं मेरी ऑलरेडी, वो भी उसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। बहुत अच्छा क्वालिटी का माइक है, मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ। आपको अच्छा क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड करना है, अच्छा ऑडियो चाहिए, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी तक हेलमेट के बारे में बता दिया, माइक के बारे में बता दिया, माउंट के बारे में बता दिया। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि माइक आपने गोप्रो को कैसे ये करें, कैसे कनेक्ट करें। तो गोप्रो को माइक ये कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप एडाप्टर के द्वारा माइक कनेक्ट कर सकते हैं, एक गोप्रो और माइक के बीच में एक एडाप्टर लगता है, एडाप्टर के बिना आप माइक कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास एडाप्टर नहीं है तो एक मीडिया मोड करके एक डिवाइस नहीं बोल सकते, वो गोप्रो का ही एक एक्सेसरीज़ है जो कि बहुत अच्छा है। मैं वही रिकमेंड करता हूँ, मैं पर्सनली वही यूज़ करता हूँ। एक मीडिया मोड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मीडिया मोड का कवर जो आप देख सकते हैं। मीडिया मोड का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको एक्सटर्नल माइक भी अटैच हुआ कनेक्ट करके आ जाता है। दूसरी चीज़, मीडिया मोड में आपको 3 सॉकेट आते हैं, 2 सॉकेट आते हैं जो कि एक चार्जिंग का होता है, एक माइक कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही इजीली यूजेबल है मीडिया मोड, इसकी प्राइसिंग अराउंड 6000 के पास है। तो आप चाहे तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, या अराउंड यार ये एडाप्टर का प्राइस अराउंड उतना ही जाता है। तो आप मीडिया मोड, मैं रिकमेंड करूँगा मीडिया मोड ले लीजिए। तो अभी तक जो GoPro ये मोटो व्लॉग करने के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। सबसे पहले हेलमेट और GoPro माउंट करने के लिए GoPro माउंट, हेलमेट माउंट, उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो माइक जो कि सोनी का, तीसरी चीज़ है मीडिया मोड। मीडिया मोड में आपको उसके साथ चार्जिंग का केबल भी आ जाता है। तीसरी चीज़ ये भी आ जाती है, ये जो है ये नॉइस रिडक्शन के लिए लगाया जाता है एक्सटर्नल माइक में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आप अभी वीडियो में देख चुके होंगे कि मैं अभी ये GoPro के ऊपर जो माउंट मीडिया मोड माउंट कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, या आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरह। एक मोटो व्लॉगर के लिए, एक मोटो व्लॉगिंग वीडियोस बनाने के लिए आपको अभी तक समझ आया होगा कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और GoPro को मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं पर्सनली GoPro 11 यूज़ करता हूँ। GoPro 9 और GoPro 10 कंपेरेटिवली थोड़े से क्वालिटी ऑलमोस्ट क्वालिटी सेम है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक चीज़ उसमें कम है, वो है GoPro 9-10 में, हीरो 9-10 में सुपर व्यू तक उन्होंने 11 यूज़ करता हूँ। GoPro 9 और GoPro 10 कंपेरेटिवली थोड़े से क्वालिटी ऑलमोस्ट क्वालिटी सेम है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक चीज़ उसमें कम है, वो है GoPro 9-10 में, हीरो 9-10 में सुपर व्यू तक उन्होंने फीचर दिया है, जो कि प्लस पॉइंट GoPro 11 में ये है कि हाइपर व्यू का ऑप्शन दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा वाइड और बहुत अच्छा एकदम लगने को बहुत मस्त लगता है। आप वीडियो में पहले जो मैंने आपको बाइक का वीडियो दिखाया है, वो हाइपर व्यू का ही शूट किया गया वीडियो है, एकदम अच्छा लगता है दोस्तों। तो मैं आपको अभी तक एकदम से डिटेल में वीडियो में आपको बता दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा वाइड और बहुत अच्छा एकदम लगने को बहुत मस्त लगता है। आप वीडियो में पहले जो मैंने आपको बाइक का वीडियो दिखाया है, वो हाइपर व्यू का ही शूट किया गया वीडियो है, एकदम अच्छा लगता है दोस्तों। तो मैं आपको अभी तक एकदम से डिटेल में वीडियो में आपको बता दिया गया है, उसके साथ साथ आपको और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यार, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक सुपर बाइक हो, एक अच्छी स्पोर्ट बाइक हो, आप कौन से भी बाइक हो यार, बाइक हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्कूटी पे, एक्टिवा पे बहुत, मतलब दुनिया घूम चुके हैं, अभी भी दुनिया घूम रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोटी बाइक ही हो, अच्छी बाइक ही हो, या फिर सुपर बाइक हो, एक कौन सी भी बाइक से आप मोटो व्लॉगिंग चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आपके पास एक प्रॉपर वीडियो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है, तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा, इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगेगा 100%ली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एज वेल एज सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। और आपको मेरी जो ऑडियो क्वालिटी है कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, दूसरे वीडियो में।